सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक के तहत आज कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से लाभार्थियों को मौका देती हुई वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के हाथों से लोन का चेक प्रदान किया गया। आज का जो कार्यक्रम था, ये केंद्र सरकार द्वारा आउटरीच कैंपेन के तहत ये कार्यक्रम किया गया और हर जिले में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और वाराणसी जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए आज हम लोगों ने करीबन 200 करोड़ रुपए के 4500 ऋण वितरण किए हैं, जिसमें यूनियन बैंक ने 900 लोगों को लोन दिया है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे बैंक का है और जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने सोमवार को जनसंपर्क पोर्टल लॉन्च किया है, वो एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर है हमारे गरीब भाई बहनों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं और उनको बैंक वित्त मुहैया नहीं हो पा रहा, तो उस ऑनलाइन पोर्टल में लोग अपना एप्लीकेशन दीजिए, बैंक ऑनलाइन सेंशन करेगा तो ये फास्ट ट्रैक में वो डिस्पोजल स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए जो गवर्नमेंट का मिशन है और विजन है अंत्योदय, उसके लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। कितने बैंकों ने आज एक संग लोन किया? मोर देन 25 बैंक्स के यहाँ बेनिफिशियरी आए हुए हैं। मुख्य अतिथि में कौन आएगा? मुख्य अतिथि में हमारे कमिश्नर साहब थे श्री दीपक अग्रवाल जी, जो वाराणसी मंडल के संरक्षक हैं, वो यहाँ थे। हमारे जो बड़े बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो ग्रामीण बैंक है, PNB है, उनके सबके क्षेत्रीय प्रमुख यहाँ पर थे। बाकी बैंकों के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने अपने लाभार्थियों को सेंशन लेटर या लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करें। थैंक यू सर।